हेलो गाइस, मेरा नाम अक्षय और आप देख रहे हैं एके गेमर बॉय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे बीजीएमआई के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बीजीएमआई जो है गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया है और गवर्नमेंट ने अभी क्लियरली साफ करके बता दिया है कि किस रीज़न की वजह से उन्होंने बीजीएमआई को इंडिया में बैन किया है। और गाइस, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि बीजीएमआई अनबैन कब होगा, क्या बीजीएमआई टेम्प्रेरी बैन हुआ है या फिर परमानेंटली बैन हुआ है, और आप बीजीएमआई को अभी जो बैन हुआ है टेम्प्ररी उसके सर्वर्स कब तक चलेंगे और आप कब तक खेल पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सब क्लियरली बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रीजंस निकल के आए हैं। गवर्नमेंट कह रहा है कि इन रीजंस की वजह से हमने बीजीएमआई को इंडिया में ब्लॉक किया है। तो पहला रीज़न है, बीजीएमआई ने नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट किया है, यानी अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंडियन आईटी लॉ बीजीएमआई जो है छुप छुप के डाटा शेयर कर रहा है। तो ये गाइस पहला रीज़न गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया है। तो गाइस, दूसरा जो रीज़न है, गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो रिसेंटली बीजीएमआई का एप्लीकेशन का अपडेट आया था, उसके बाद से जो टेंसेंट कंपनी है उसका 13% शेयरिंग होल्ड जो है अभी बीजीएमआई के साथ हो चुका है। तो जैसे कि आपको पता होगा, पबजी जो बैन हो चुका है इंडिया में क्योंकि डाटा शेयरिंग की वजह से, और जो टेंसेंट कंपनी है वो एक चाइनीज ऐप है। तो ये भी गाइस एक रीज़न है, उन्होंने कहा है कि आप जो है 13% शेयर जो है टेंसेंट का बीजीएमआई गेम के साथ है। वो क्यों, टेंसेंट गेम एक चाइनीज कंपनी है, तो क्या आप छुप छुप के डाटा शेयर कर रहे हो टेंसेंट कंपनी यानी चाइनीज कंपनी के साथ? तो गाइस ये एक दूसरा रीज़न है, तो उसके वजह से भी ये जो गेम है इंडिया में ब्लॉक हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और तीसरा रीज़न तो गाइस आपको खुद को भी पता होगा कि जो हादसे हो रहे हैं, जैसे कि एक हादसा आपको पता होगा, एक 16 साल का छोटा बच्चा जिसने अपनी खुद की माँ को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो ऐसे खतरनाक एडिक्शन वाले लोग जो हैं कुछ ना कुछ हादसा करते रहते हैं, जैसे कोई सुसाइड करता है बिल्डिंग पे चढ़ के, कोई अपने भाई को मारता है, कोई अपने फैमिली मेम्बर्स को मारता है, हैरेस करता है, परेशान करता है, और कोई तो खुद के साथ भी टॉर्चर करता है एडिक्शन में जाने के बाद। तो ये भी रीज़न जो है रीज़न की लिस्ट में शामिल हो सकता है, लेकिन इस सब की वजह से भुगतना पड़ता है बीजीएमआई को इन एडिक्शन वाले लोगों से। क्यों? क्योंकि भाई फ्री का माल है, फ्री का गेम, अपने बाप का ही गेम है, पूरा दिन खेलने का, एडिक्शन लगाने का और कुछ ऐसे हादसे करने का, और उसका रीज़न जो है आएगा बीजीएमआई के ऊपर कि बीजीएमआई ने इन लोगों के साथ कहा है कि पूरा दिन खेलते रहो और एडिक्शन लगाओ, ऐसे जाके हादसे करो, नहीं ना। तो भाई क्यों बीजीएमआई भोगे, उनको कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी चीज़ का एडिक्शन नहीं लगने देना चाहिए, लिमिट में खेलना चाहिए, ये सबन में आना चाहिए उन लोगों को। लेकिन नहीं भाई, फ्री का बाप का माल है, पूरा दिन खेलते रहो और एडिक्शन लगाते रहो, ये सबसे ज़्यादा उनके साथ साथ होता है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होते हैं। तो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया कुछ रीज़न जो गवर्नमेंट कह रहा है कि इस रीज़न की वजह से हमने बीजीएमआई को इंडिया में बैन किया है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या बीजीएमआई अनबैन होगा, अगर होगा तो कब होगा और क्यों होगा। तो चलिए बात करते हैं कि बीजीएमआई अनबैन कब होगा। तो गाइस, बीजीएमआई अनबैन तब होगा जब क्राफ्टन कंपनी एंड जो गवर्नमेंट की टीम है वो आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, सुलझाएंगे प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ है ऐसा, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा, फिर गवर्नमेंट और जो क्राफ्टन कंपनी है वो बताएंगे, अपडेट देंगे हमें कि ऐसे से हुआ है और वो जो है गेम जो है अनबैन हो जाएगी। और गाइस, जो रीज़न है मैंने आपको बताए थे उसके मुताबिक अभी तक जो एक गेम बैन हुई है वो टेम्प्ररी बैन हुई है, परमानेंटली बैन नहीं हुआ है, ठीक है। तो चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि बीजीएमआई वापस ज़रूर आएगा। आपको पता होगा कुछ मंथ्स पहले सेम हादसा हुआ था फ्री फायर के साथ, वो भी डाटा शेयरिंग के वॉलेट की वजह से प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से फ्री फायर को हटाया गया था, उसके बाद 3-4 महीने के बाद फ्री फायर वापस आ चुका है। तो उसी तरह से जो है बीजीएमआई भी वापस आ जाएगा, तो टेंशन मत लो। तो चले गए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बीजीएमआई क्यों अनबैन होने चाहिए और क्यों होगा। इसमें मैं 100% गारंटी तो नहीं कह सकता कि बीजीएमआई अनबैन होगा, लेकिन मैं आपको अंदाजे से बता सकता हूँ कि क्यों अनबैन होगा और क्यों होना चाहिए। गाइस, अगर बीजीएमआई जो है नेशनल सिक्योरिटी यानी डाटा शेयरिंग की वजह से बैन हुआ है, तो गवर्नमेंट और जो कंपनी है उनके बीच जो है बीजीएमआई की कंपनी उनके बीच में बैठ के बातचीत करेंगे, सलाह सुझाव करेंगे, और जो है कुछ दिन बाद जो है मंथ बाद भी हो सकता है वो अनबैन कर सकते हैं। और अगर रीज़न हो सकता है कुछ उन टाइप बंदों की वजह से जो एडिक्शन लगवा के ले रहे हैं, तो भाई टेंशन मत लीजिए, बीजीएमआई वापस 100% आ जाएगा, क्योंकि इसमें बीजीएमआई वालों की कोई गलती नहीं, क्योंकि एडिक्शन वो खुद लगवा के ले रहा है, ना कि बीजीएमआई वाले लगवा रहे हैं। बीजीएमआई वाले ये नहीं कह रहे कि भाई फ्री का गेम है तो पूरा दिन खेलते रहो, नोटिफिकेशन हम भेज रहे हैं कि खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलो,
ऐसा वो नहीं कर रहे ना, और एडिक्शन वो खुद लगवा के ले रहे हैं, तो इसमें बीजीएम वाले की कोई गलती नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एक ऑटो ड्राइवर है, वो अपने कस्टमर को बिठा के अपने ऑटो में लेके जा रहे हैं, आगे जाके कोई ट्रक वाला ऑटो को ठोक देता है, उसके बाद जो है ऑटो ड्राइवर वाला बच जाता है और कस्टमर भी बच जाता है, लेकिन कस्टमर को ज़्यादा चोट लगती है, ऑटो ड्राइवर को चोट बिल्कुल नहीं लगती। फिर वो कस्टमर बोलता है ऑटो ड्राइवर को कि भाई तुम ऑटो चला रहे थे, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई। तो ये तो ऐसे ही हुआ ना, गेम खेल रहे हम है ना, और कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं, तो सेम उसी टाइप का ये हो गया। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गेम जो है वापस आ जाएगी अगर ये रीज़न हुआ तो एडिक्शन का। तो गाइस अभी गेम जो है टेम्परेरी बैन हो चुकी है, तो अभी हम कब तक गेम खेल सकते हैं ये भी आपका क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो टेम्परेरी बीजीएमआई बैन हो चुका है, तो और 2-3 दिन जो है गेम का सर्वर चलता रहेगा और आप खेलते रहेंगे, उसके बाद जो है उनका सर्वर बंद हो जाएगा बीजीएमआई का, आप नहीं खेल पाएंगे। तो अभी टाइम है आपके पास, अगर खेलना है तो मन भर के खेलिए, लेकिन ज़्यादा एडिक्शन लगे ऐसा मत खेलिए, ठीक है। अगर परमानेंटली बैन होता है गाइज तब भी यही होगा कि 2-3 दिन तक ही सर्वर चलेंगे, अगर टेम्परेरी बैन है तो 2-3 दिन सर्वर चलेंगे, बस यही मसला है। लेकिन वेट करते हैं अभी हम उनके तरफ से कुछ अपडेट आने का कि क्या स्टेटस है अभी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसी तरीके से अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि किस क्या रीज़न है बीजीएमआई बैन का और क्या वापस आएगा नहीं, ये उनको भी स्टेटस बीजीएमआई का ज़रा चलने दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।